ओडिशा माइनिंग मामले में नवीन जिंदल की कंपनी JSPL को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। क्योंझर खदान से आयरन और उठाने की इजाजत नहीं मिली है। इस आयरन के लिए स्टेट बैंक ने JSPL को 2000 करोड़ का लोन दिया है। SBI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि ये पब्लिक का फंड है, इसलिए JSPL को आयरन और उठाने की इजाजत दी जाए। लेकिन वहीं ओडिशा सरकार की तरफ से कहा गया है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होने की वजह से आयर और उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी है। महेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। महेश, इसमें और क्या डिटेल है? क्योंकि ये मामला पुराना मामला है, पिछले 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था और शारदा माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था JSPL के साथ, जिंदल की कंपनी के साथ, तो जिंदल का जो वहाँ पे कच्चा लोहा निकला हुआ है आयरन और, तो जिंदल उसको उठाना चाह रहा था, तो इनबिटवीन शारदा जो माइनिंग थी ओडिशा में वो बंद हो गई थी। तो उसके बाद सरकार ने इनको, जिंदल की कंपनी को, उठाने नहीं दिया था कच्चा लोहा वहाँ से आयरन और, ये कह के कि आप ये जो माइनिंग बंद हो गई है और आपके पास जो पर्यावरण का क्लियरेंस नहीं है। तो लेकिन जब ये हाईकोर्ट गए थे जिंदल की कंपनी, तो हाईकोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया था। तो लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि आप उठा सकते हैं, क्योंकि जिंदल की कंपनी का ये कहना था कि इससे जुड़ा हुआ जो भी पैसा है वो सरकार को जमा कर चुके हैं और अगर माइनिंग बंद हो गई है तो, लेकिन ये जो है आयरन ओर है वो निकल चुका है, उठाने की JSPL को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं है, खनिज निकालने की इजाजत नहीं मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस बातचीत की।